साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों आज अपन बात करेंगे, हालांकि पर्टिकुलर एक कंट्री के बारे में नहीं, कहीं पर भी आप अगर इंडिया से बाहर जाते हैं कोई भी कंट्री में जॉब से रिलेटेड, तो विजिट में खास तौर से लोगों की प्रॉब्लम ही आती है। परमिट में तो कोई दिक्कत कोई इश्यू वाली बात ही नहीं होती, विजिट में जाते हैं। और मेरे हिसाब से कंट्रियों में 80% लोग विजिट टू वर्क जाते हैं, तो कुछ कंडीशन हो जाती है कि एयरपोर्ट से आपको डिपोर्ट क्यों कर दिया जाता है, यानी आपको एयरपोर्ट से वापस इंडिया के लिए रवानगी क्यों कर दी जाती है, इसका रीज़न क्या होता है। कई बार तो आपको इंडिया एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाता है, कई बार अगर आप इंडिया से निकल जाते हैं तो आप जिस भी कंट्री में जाते हैं, जैसे मलेशिया की बात करें तो इतने ज़्यादा डिपोर्ट होते हैं, हद नहीं है, सबसे ज़्यादा लोग मलेशिया से डिपोर्ट होते हैं। इसके क्या रीज़न है, मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, 5-7 पॉइंटों पर बात करूंगा। अगर इन पॉइंटों पर आप खरे उतर जाते हैं तो कोई माइका लाल आपको डिपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है, आप इस बात को चैलेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले साथियों शुरुआत करते हैं, अगर आप विजिट में जा रहे हैं इंडिया से कोई भी कंट्री के लिए, तो सबसे पहले आपको वीज़ा आपके पास होना चाहिए, तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीज़ा आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आती है टिकट की, आपके पास टिकट होनी चाहिए, ठीक है, कंफर्म टिकट होनी चाहिए, होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है साथियों। दूसरी शो मनी आपके पास होनी चाहिए, ये 3-4 चीज़ अगर आपके पास हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पहला पॉइंट ये है। सेकेंड बात मैं बता दूँ, टिकट आपकी दोनों तरफ से होनी चाहिए, वो भी ओरिजिनल। कई बार लोग क्या करते हैं कि एक जाने वाली ओरिजिनल होती है, दूसरी डमी बना लेते हैं, तो वो डमी वाली टिकट कई बार चेक कर लेते हैं, तो चेक करने का मतलब साथियों वो तो डमी होती है, तो वो फिर वापस इनको टिकट के पेटे वापस निकाल देते हैं। तो या तो आप जल्दी से टिकट दूसरी बनाओ, या फिर क्योंकि अनपढ़ लोग होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता, उनको सिस्टम ऑपरेट करना नहीं आता, तो फिर उनको इंडिया ही आना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं बचता, ठीक है साथियों। दूसरी बात मैं बता दूं, तीसरी इसमें होटल बुकिंग ओरिजिनल होनी चाहिए। आज पहले क्या होता था, होटल बुकिंग भी लोग ऑनलाइन शो करके नकली बना लेते हैं, लेकिन आजकल चेक होती है होटल पे, जो उस पे नंबर होते हैं उस पे इमिग्रेशन को अगर शक होता है कि आप मतलब वापस नहीं आओगे, या उनको शक डाउट होता है, तो वो होटल बुकिंग में कॉल कर लेते हैं कि आपके यहाँ इस नंबर से कोई बुकिंग है क्या, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी तीसरी चौथी बात मैं बता दूँ, टिकट आपकी होटल बुकिंग सेम डेट होनी जरूरी है साथियों। आपकी मान लीजिए आप 10 दिन के लिए आप जा रहे हो कोई भी कंट्री में, तो होटल बुकिंग आपकी 2 दिन पहले ख़त्म हो रही है, ठीक है, या आप 2 दिन बाद में बुकिंग करवा रहे हो, तो मतलब तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। टिकट भी सेम डेट की जाने की, होटल बुकिंग भी सेम डेट की कि आप जाते वहाँ होटल में ठहरोगे, आते भी सेम डेट की होनी जरूरी है। अगर सेम डेट नहीं होगी तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, डिपोर्ट होने के आपके चांसेस हो जाते हैं। मेन पॉइंट ये आता है साथियों, 5 नंबर पॉइंट ये है कि इमिग्रेशन अधिकारी के जो सवाल आपसे करते हैं उनको संतुष्ट करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। वो आपसे पूछेंगे, जो भी आपसे क्वेश्चन करेंगे उनको आपको जिम्मेदारी बनती है कि आप उनसे संतुष्ट करो। अगर आप संतुष्ट नहीं कर पाओगे, उनको लगता है कि ये बंदा यहाँ से जाके इलीगल होगा, वापस नहीं आएगा, इंडिया में घुस अपने देश में घुस जाएगा, अवैध तौर से रहेगा, तो फिर आपको डिपोर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आगे 6 नंबर पॉइंट है कि जैसे इमिग्रेशन अधिकारी पासपोर्ट आपका देखता है कि आपका पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट नहीं है, हालांकि इसका इतना इश्यू नहीं होता, लेकिन ब्लैक लिस्ट मैं बता दूं कि उनकी नज़र में आ जाता है कि ये बंदा पहले भी दूसरी कंट्री गया, वहां से ब्लैक लिस्ट हो रहा हो क्या, यानी इलीगल था, तो हो सकता है अपनी कंट्री से भी ये इलीगल रहे, तो ये भी एक डिपोर्ट होने के चांसेस आ जाते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। शो मनी बराबर होनी जरूरी है साथियों। अब आप मान लीजिए मलेशिया की बात करें, दुबई की बात करें, तो 1000 दराम आपके पास होनी चाहिए, आपके पास 100-200 दराम है, तो समझ में आता है कि यार बंदा घूमने के लिए जा रहा है तो पैसा कहाँ आपके पास, पैसा होना चाहिए ना। हालांकि दुबई वाला इतना इशू नहीं है, लेकिन और जो यूरोप कंट्री मान लो और कोई भी कंट्री मान लो, वहाँ पे शो मनी आपको चेक कर ली जाती है। चेक अगर करते हैं फिर आपके पास पूरी नहीं होती है, तो भैया डिपोर्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप घूमने जा रहे हो, 15 दिन रुकोगे, आपके पास वहाँ के 20-25-30 हज़ार रुपये नहीं है, तो घूमोगे कहाँ से, इसका मतलब आप गलत नीति से जा रहे हो, समझ। अब आप बोलोगे मेरे पास ATM है, मेरे पास भारतीय मुद्रा है, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा माइनस पॉइंट आ जाता है। तो मैंने 7 पॉइंट साथियों आपके बताए, अगर डिपोर्ट इन चीज अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो कोई आपको डिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं रखेगा, अगर इनमें से कुछ भी कमी कर दे तो साथियों डिपोर्ट होना तय है। साथियों मैंने लगभग पूरी बातें बता दी, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में जो बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे मैं नई अपडेट डालूं आपके पास सबसे पहले इंक्वायरी पहुंच सके, जिससे सही जानकारी सही मोटिवेशन मिलती रहे। जय हिंद।